मुजफ्फरपुर में अपराधियों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन हत्या, लूट, छिनतई जैसी घटना को अंजाम देकर अपराधी आसानी से भाग निकलते हैं। वहीं ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र का है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने महिला से लाखों रुपए की छिनतई कर फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार घटना सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की चौक स्थित एक पेट्रोल पंप का है, जहां बाइक सवार दो अपराधियों ने महिला से लगभग 2.5 लाख की छिनतई कर फरार हो गए। घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना की पुलिस जांच में जुट चुकी है। घटना है कि पत्नी बैंक से पैसा निकाल के आ रही थी और पेट्रोल पंप पे तेल निकालने के क्रम में पैसा पल्सर से छीन के लेके चला गया। कितना रुपया लगा उसमें? 2.5 से 3.5 लाख रुपया कैश था और 2 मोबाइल था, जो कि लगभग 50,000 का मोबाइल। कहाँ से कैश निकाल के आ रहे थे? ओहरिया बाजार। क्या नाम हुआ पत्नी का? देवयानी। आप अपना परिचय दीजिए। मनीष कुमार शुक्ला। घर कहाँ हो गया? घर हो गया माधोपुर एयरटेल ऑफिस के पास। हमारा ये है कि ये लौट के आ रहे थे ये कलमबाग चौक तरफ से, जो पैसा निकाल के बैंक से यहाँ पे पेट्रोल भराने आई थी और पीछे से आदमी लगा हुआ था, मौका पाया, उनके बैग छीन के भाग गया। कितने की छिनतई है सर? करीब 2.5 लाख की बात बताई जा रही है। कुछ पहचान हो पाएगी? पहचान मिली है, उस पर जो फुटेज हम लोग पास है उसी से आगे बढ़ेंगे।